नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, ये एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिपोर्ट आपकी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है 2016-17 की। 2015-16 की जो रिपोर्ट थी वो भी मैंने पिछली बार आपको दी थी। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डेटा निकलता है, जैसे कि बायोस्फेयर रिजर्व से रिलेटेड हो गया, वेटलैंड से रिलेटेड हो गया, मैनग्रोव्स इंडिया में कहाँ कहाँ पे हैं, कोरल रीफ्स इंडिया में कहाँ कहाँ पे हैं, बहुत सारी चीज है। वैसे तो 250 पन्ने की रिपोर्ट है, 252 पन्ने की, लेकिन यूपीएससी के लिए और प्रेसिडेंट पीसीएस एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इवन एसएससी और एसआई एग्जाम्स में काफी सारे डेटा इसका पूछ लेंगे, जो बाकी जितने भी एग्जाम है, आरआरबी और ये सब जितने भी, जीके पॉइंट ऑफ व्यू से एनवायरमेंट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप इतना पूरा तो नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए मैं आपको जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बता दे रहा हूँ, ठीक है। और इसमें देखिए ऐसा है कि ये 2016-17 की रिपोर्ट है, ये 2015-16 की रिपोर्ट है, ठीक है। तो क्या क्या चेंजेस है वो भी बताऊंगा, और प्लस जैसे मैंने आपको बताया था, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे जो हुआ था आपका, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आई थी 2017 की, वो मैं एक बता चुका हूँ पूरा। उसमें काफी सारा डेटा ऑलरेडी कवर हो चुका है, लेकिन फिर भी काफी सारी चीजें बची हैं कि जैसे इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर क्या क्या आता है, ये सब चीजें। तो ये सबको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो इसके कंटेंट पे चलते हैं। कंटेंट में जाने से ये मतलब है कि ये सभी चीजें जो हैं ये इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि आपका बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो गया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट हो गया, ये सभी की सभी आपकी आती है कहाँ पे, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर आती है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, मैनग्रोव्स, कोरल रीफ्स, ये जितने भी ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट है, ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, देखिए बहुत सारे इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं। मान लीजिए कभी कभी पूछ लेते हैं कि जो ये इन्वायरमेंट वाली जो भी अथॉरिटीज हैं वो स्टेटूटरी हैं कि कैसी हैं, ये सब चीजें पूछते हैं इसमें, ठीक है। तो वो सब हम देखेंगे इसमें। जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब मैं आपको बताता हूँ। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो इसी के अंडर आता है, सेंट्रल जू अथॉरिटी हो गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, एनटीसी हो गया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एनिमल वेलफेयर हो गया, इवन जो कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन सॉरी पॉल्यूशन हो गया, फ्लाई ऐश हो गया, वाटर बॉडीज का कंट्रोल हो गया, कंजर्वेशन ऑफ लेक्स हो गया, ये सभी चीजें, नेशनल ग्रीन मिशन इंडिया, ग्रीन इंडिया मिशन। अब बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट भी हैं, जैसे कि एनएपीसीसी अगर आप देखें वो वाली है, और बहुत सारे और भी मैंने अलग से नोट्स बनाए हैं। देखिए मैंने इसमें अलग से भी नोट बनाए, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको, और काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मतलब यूपीएससी के लिए और इन सब के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ चीजें देखिए मैं सब कुछ एकदम मिक्सअप करके बताऊंगा इसमें, ठीक है। जैसे पहले ये रिपोर्ट ही देख लेते हैं, रिपोर्ट के बाद ये सब देखेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज है, सलीम अली सेंटर जो है, प्लस नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया आपका, ठीक है, वियना कन्वेंशन हो गया आपका, और प्लस किगाली एग्रीमेंट हो गया, काफी सारी चीजें हैं इसमें देखने वाली जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये तो फॉर्म है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख सकते हैं छोटे मोटे एग्जाम्स में ये सब आ सकते हैं। देखिए कहाँ कहाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये कि जो पहली बात रोल क्या है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का, ये नोडल एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो कि क्या देखती है, इंडिया के जितने इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट पॉलिसी से रिलेटेड चीजें हैं, प्लस नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, लेक्स हो गई, रिवर हो गई, बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ, प्लस वेलफेयर ऑफ एनिमल, प्रिवेंशन ऑफ ये प्रिवेंशन एंड अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन, इस सब कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे करना है उन सबको गाइड करती है मिनिस्ट्री। प्लस जो इवन इंटरनेशनल कुछ प्रोग्राम है उनके लिए नोडल एजेंसी कौन सी है, कभी कभी क्वेश्चन ये आ सकता है कि मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाएगा कि इंडिया में यूएनईपी की नोडल एजेंसी कौन है, वो है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है। सासेप जो है आपका आईसीआई मोड की है, प्लस यूएनसीडी सब की, ये नोडल मिनिस्ट्री है आपकी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है पहले। फिर उसके बाद देखिए ये यहाँ पे कुछ एक्चुअली एक्ट लिखे हुए हैं आपको, यहाँ से देखिए कई सारे फैक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी 1988 में, ठीक है। प्लस बहुत सारी और भी चीजें हम लोग देखते जाएंगे इसमें, काफी सारी चीजें, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। डिजर्टिफिकेशन हो गया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये सब कुछ इसी के अंडर आता है। अब देखिए ये वाला जो पेज है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पेज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसी चीजें एक्ट लिखे हुए हैं जो कई बार जो स्टेट पीसीएस एग्जाम से उसमें ईयर पूछ लेते हैं कि किस ईयर में पास हुआ था, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट, ये कब पास हुआ था, 1960 में, ठीक है, 1960 में। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 में, लेकिन वाटर सेस वाला एक्ट हुआ था 1977 में, दोनों याद रखिएगा, 74 77। एयर पॉल्यूशन वाला जो एक्ट है 1981 में। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट हुआ था 1927 में। फिर ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हुआ था 1980 में, कई बार ईयर पूछते हैं तो आपको याद रखना चाहिए। ईपीए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1986 में हुआ था ये,
और इसको बोलते हैं अम्ब्रेला एक्ट, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। भोपाल गैस ट्रेजडी हुई थी उसके बाद इसको बनाया गया था। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ये 2010 में एक एक्ट के थ्रू फाउंड हुआ था, मतलब कि ये एक स्टेटूटरी बॉडी है। फिर कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट, मतलब अगर आप कहीं के जंगल अंगल काट दोगे तो आपको उसका कंपनसेशन देना पड़ेगा कि दूसरी जगह पे वैसा ही आप फॉरेस्टेशन कर सकें। तो फिर इसके बाद देखिए और भी चीजें लिखी हुई है, जैसे जो मिनिस्ट्री इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है वो रिस्पॉन्सिबल है जितने भी पॉलिसी से रिलेटेड है, ये फॉरेस्ट से पॉलिसी से रिलेटेड जो लेजिस्लेशन वो सबके ये, लेकिन एक्सेप्ट किसको करती है, जो आपके मैटर्स हैं शेड्यूल्ड ट्राइब वाले, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब वाले जो फॉरेस्ट लैंड वाले वो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आते हैं। वो किसके अंदर आते हैं जल्दी से बताइए कमेंट करके। देखिए ये इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एक्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1986 में ये पास किया गया था, भोपाल गैस ट्रेजडी हुई थी उसके बाद इसको किया गया था। और ये किया गया है किस लिए, पर्पज इसका क्या है, जो भी आपके यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट का डिसीजन है उनको इंप्लीमेंट करना, प्लस एक अम्ब्रेला एक्ट इसको बोलते हैं। देखिए ये पूछते हैं कि कौन सा एक्ट को बोलते हैं अम्ब्रेला एक्ट, वो कौन सा, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 वाला, और ये कब पास हुआ था, 9 जनवरी 1986 को। तो इतना आपको याद रखना है, काफी सारे फैक्ट्स आएंगे इसमें, थोड़ा सा बोर हो सकते हैं आप, लेकिन झेलना पड़ेगा क्योंकि कई सारी चीजें आ जाती है इस एग्जाम में, ठीक है, थोड़ा सा झेल लीजिए अगर मुझे, और काफी सारी चीजें मैं बता दूंगा तो काफी फायदा हो जाएगा एग्जाम में। फिर ये BRBCRLIP यानी कि बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन एंड रूरल लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ये भी इसी के अंडर आता है। और भी काफी सारी चीजें हैं, हम लोग देखते जाएंगे। देखिए काफी सारी चीजें हैं इसमें, जो जो इंपॉर्टेंट वाली हैं वो मैंने मार्क कर रखी है एक्चुअली, जैसे कि कौन डिक्लेयर करता है इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन को, तो ये ऑब्वियसली इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री करेगी, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं इसमें, वेस्टर्न घाट में कई सारे जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया को किया गया है। फिर देखिए क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड काफी सारी चीजें, जैसे COP21 वो पेरिस क्लाइमेट डील को बोलते हैं 2015 वाली, फिर 2022 में जो हुई थी COP22 हुई थी, ठीक है, उसके बाद आपका ये एक है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये एक्चुअली इसके अंडर में 8 प्लान आते हैं, ठीक है। तो वो सब चीजें हैं इसमें, एक बार पहले ये कर लेते हैं हम लोग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट कॉन्सेप्ट। देखिए ग्रीन हाउस गैस मान लीजिए आपको पहचानने को आ जाए कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस होती है, तो वो है आपकी वाटर वेपर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। अच्छा देखिए जो ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा था उसके लिए आया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वो अभी तक की सबसे सक्सेसफुल इन्वायरमेंट अगर आप समझ सकते हैं ट्रीटी है वो, ठीक है, प्रोटोकॉल है वो। तो उसमें ये था कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो जाके स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन को डिप्लीट कर देते हैं, तो इसीलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं यूज करना चाहिए हमको एज अ रेफ्रिजरेंट। फिर आ गया इसीलिए, फिर जब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन बंद कर दिए तो आ गए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, लेकिन अब इसमें ये दिक्कत हो गई कि ये ओजोन को तो डिप्लीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये ग्रीन जो इनका ग्रीन ये आप देखेंगे अगर इसमें ग्रीन हाउस वाला वार्मिंग वाला पोटेंशियल जो है वो बहुत ज्यादा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा, मतलब ये ग्लोबल वार्मिंग करने लगे। तो एक समस्या से हम निकले कि ओजोन लेयर कम डिप्लीट होने लगी तो ये ग्लोबल वार्मिंग फैलाने लगे। देखिए ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का मतलब ये कि मान लो अगर CO2 को रेफरेंस ले लें और इसको 1 यूनिट ले लें तो इसके कंपैरिजन में जो बाकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो कितना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग कर सकती हैं। इसमें देखिए मैंने ये वैसे तो बड़ी टेबल है लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसीलिए कि जो सबसे कम तो CO2 हो गया, मतलब उसको आप रेफरेंस देंगे 1 यूनिट, उससे ज्यादा है मिथेन का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल करीबन 10 गुना है, उससे ज्यादा है नाइट्रस ऑक्साइड का करीबन 200-250 गुना है, ये उससे ज्यादा है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का, उनका भी करीबन है आपका 1000 के आसपास गुना, फिर उसके उससे ज्यादा है पर फ्लोरोमिथेन का, ठीक है, इनका कितना है, ये है करीबन 6000 6500 के आसपास, और सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल किसका है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड का, ठीक है, ये है 34000 के आसपास। तो ये आपको याद रखना है इससे, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं ये आपको याद हो गया, और ग्रीन हाउस पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड का, और रेफरेंस कहाँ से लेते हैं, CO2 से, CO2 जितना ग्रीन ग्लोबल वार्मिंग फैलाएगी उससे ज्यादा। अब देखिए मैंने आपको बताया कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये मोस्ट इफेक्टिव इन्वायरमेंट इंटरनेशनल इन्वायरमेंट ट्रीटी है, जो कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के लिए आई थी 1989 में, ये फोर्स में आई थी, मतलब इम्प्लीमेंट की गई थी कुल मिला के, और ये एक पहली ऐसी ट्रीटी बन गई जिसका कि कंप्लीट रेटिफिकेशन हुआ है, ठीक है, मतलब जो रेटिफिकेशन का मतलब ये हो गया, मान लो कोई ट्रीटी है उसको अपने हर देश ने अपने अपने जो वहां के लॉ बनाना था उसमें वहां की पार्लियामेंट में अपना रेटिफाई करा दिया, मतलब लॉ बना दिया उससे रिलेटेड। फिर उसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं, सबसे लेटेस्ट है किगाली अमेंडमेंट, किगाली अभी हुआ था ये, ठीक है,
2016 में ये हुआ था जो, ठीक है। और ये किगाली अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, ये आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अमेंड करने से रिलेटेड है, याद रखिएगा। किगाली ने बोला है कि जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है उनको भी आप बंद करो 2045 तक। तो ये बात है इसमें, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में क्या है, हाइड्रोजन होता है कार्बन और आपका फ्लोरीन होता है। वैसे तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को यूज करते थे आप रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में, लेकिन फिर ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने बोला कि नहीं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आप जैसे आप बंद कर दो तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज होने लगे। अब जो एक बात और यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था वो बाकी ग्रीन हाउस गैसेस के लिए हुआ है, लेकिन उसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन नहीं आते हैं, ठीक है। ये इनके लिए कौन सा हो गया, इनके लिए किगाली एग्रीमेंट आ गया। तो ये जरूर याद रखिए कि एक एक चीज मैं आपको अलग से, जो चीजें स्पेशल चीजें वो अलग से बता रहा हूँ, एग्जाम में यूपीएससी में कई बार पूछते हैं, ऐसे यूपीपीसीएस में पूछ सकते हैं। तो किगाली एग्रीमेंट क्या है, ये 28 जो मीटिंग हुई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से, जो 28 मतलब वहां से लेकर 28 जो मीटिंग हुई है उसमें इसको अमेंड करने के लिए हुआ था ये 2016 में रोआंडा में, जो किगाली नाम की सिटी वहां पे हुआ था। और इन्होंने बोला है कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को आप बैन करो रफली 2045 तक। उसमें भी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए अलग टारगेट है, डेवलप्ड कंट्रीज के लिए अलग टारगेट है। देखिए हमारी जो भी पीडीएफ है वो मैं पेड ग्रुप में दे देता हूँ, वन टाइम फीस है उसकी और वो चलेगा पूरा दिसंबर 2018 तक। अभी मैं यूपीएससी के लिए काफी सारे आपको पीडीएफ दूंगा, जैसे करंट अफेयर्स के भी दूंगा, ये वाली एनवायरमेंट की पीडीएफ हैं, प्लस और भी बहुत सारी ट्रिक्स वाली पीडीएफ हैं, वो सब पीडीएफ आपको उसी में मिल जाएंगी। वन टाइम फीस है, आप अगर चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7838692618, ठीक है। तो ये मैं लिख दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। वो अगर आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं उसमें, मतलब बहुत सारे, जैसे मैं हर मंथली 2 टेस्ट भी लेता हूँ, ठीक है, और बहुत सारे अभी और भी टेस्ट होंगे तो वो आप उसमें कर सकते हैं। चलो फिर इसमें आगे करते हैं। देखिए ये है कि जो किगाली एग्रीमेंट है, अमेंडमेंट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, और दूसरी बात ये कि ये लीगली बाइंडिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट में जो आते हैं ना 2-3 पॉइंट की कौन कौन सा करेक्ट है उसमें ये जरूर याद रखिएगा। और ये फोर्स में कब से आएगा, 1 जनवरी 2019 से। इसमें तीन टाइप के ग्रुप बना दिए गए हैं, पहले वाले वो वाले ग्रुप हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनको जल्दी करना पड़ेगा, 2036 तक करना पड़ेगा, ठीक है। धीरे धीरे फेज वाइज हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का कंजम्पशन आपको कम करना पड़ेगा। फिर आपकी इमर्जिंग इकोनॉमीज हो गई 2045 तक हो गया, फिर जो एकदम डेवलपिंग कंट्रीज हैं और बाकी जैसे इंडिया पाकिस्तान इन टाइप की कंट्रीज हैं, इनको पहला ये फेज करना है 2028 तक, और फिर 2047 तक करना है। तो 2047 तक, 2045 तक करना है ये। फिर ये एनएपीसीसी क्या है, ये एक्चुअली इंडिया का पहला नेशनल एक्शन प्लान है क्लाइमेट चेंज पे, और ये 2008 में स्टार्ट किया गया था, मनमोहन सिंह जी थे उस टाइम पे, ठीक है। तो उसमें ये है कि 8 कोर इसमें नेशनल मिशन है, उन 8ों को याद करने की ट्रिक भी है। एक ये है सहवाग इज हाई क्लास प्लेयर, कई बार ऐसा होता है कि ये लोग पूछ लेते हैं, मान लो 2-3 इसमें से दे देंगे मिशन और कहेंगे कि इनमें से कौन कौन सा एनएपीसीसी के अंडर आता है, तो वो कौन कौन सा है, सहवाग यानी कि एस से हो गया सोलर, ई से हो गया इन्हेंस्ड एनर्जी, या इन्हेंस रख दीजिए या फिर एनर्जी रख लीजिए, एच से हो गया हैबिटेट यानी कि सस्टेनेबल हैबिटेट, डब्ल्यू से हो गया वाटर, ए से हो गया आपका एग्रीकल्चर, और जी से हो गया ग्रीन इंडिया, ठीक है, और फिर आपका एक हो गया हिमालयन इकोसिस्टम, और एक आपका क्लाइमेट चेंज वाला हो गया, एक इसमें मिस हो गया, यहाँ पे 8वां भी रखना चाहिए। तो हाई हाई क्लास इसीलिए तो हुआ ना, सहवाग हाई इज ए हाई क्लास प्लेयर, तो सहवाग अस्सी, तो 8 मिशन हो गई है, ठीक है। 8वां मिशन भी लिख देते हैं, 1 मिनट, ये है 8वां मिशन, ठीक है, क्लाइमेट चेंज। तो सहवाग इज ए हाई क्लास प्लेयर, इससे आपको 8वां मिशन याद हो गए। फिर और कुछ इन्वायरमेंट एक्ट मैंने आपको बताया बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आपको अभी मैं बता चुका हूँ, आप देख लीजिएगा, ये पीडीएफ जो पेड वाले हैं उनको मिल जाएगी, वो लोग उनसे देख लीजिएगा। ये मैंने आपको बता ही दिया, अम्ब्रेला एक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो आपका यूएनईपी है, ये एक यूएन की एजेंसी है, और यूएनईपी मतलब ये कभी कभी याद रखिएगा, ये पूछ सकते हैं, ये वैसे भी इसके नाम में ये यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। और ये कैसे बनी थी, ये 1972 में हुआ था, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट पे हुआ था, उसके बाद इसको बनाया गया था यूएनईपी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नैरोबी में है, और ये 1972 में बनी थी, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। फिर एक डब्ल्यू, ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूएनईपी ने मिला के बनाई थी आईपीसीसी 1988 में, यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ये रिपोर्ट देते हैं। देखिए कॉप क्या होता है, सीएमपी क्या होता है, बड़ी ये सब कई बार कंफ्यूजन हो जाता है एक्चुअली। इसमें अगर आप देखेंगे तो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस यानी कि यूएन, यूनाइटेड नेशन UNFCCC, ठीक है, UNFCCC जो है आपका, इसके अंडर में ये मीटिंग होती है आपकी कॉप वाली,
ये मिड 19 से ये सब निगोशिएशन हो रहा था कि क्लाइमेट चेंज से कैसे आप लोग डील करेंगे, कैसे कोप अप करेंगे, और प्लस जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसको कैसे आप लीगली बाइंडिंग करेंगे, उसी के लिए ये सब चल रहा था कि कैसे आप ग्रीन हाउस इमिशन को कम करेंगे। 2005 से जो कॉन्फ्रेंस है इसमें, देखिए 2005 में क्योंकि जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो लागू हो गया था, तो वहां से इसको बोला गया, जो भी कॉन्फ्रेंस है इनको बोला गया मीटिंग ऑफ पार्टीज टू द क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये CMP1, वहां से CMP2 ऐसे चालू हो गया। जो कॉन्फ्रेंस है कॉप वाली है ये कब हुई थी, सबसे पहली 1995 में हुई थी बर्लिन में। तीसरी वाली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1997 में, उसमें क्योटो प्रोटोकॉल क्योटो में हुई थी, वो वहां से क्योटो प्रोटोकॉल की बातें चालू हुई। फिर 2012 में दोहा कॉन्फ्रेंस हुआ, ठीक है। फिर ये COP21 बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेरिस में हुआ था, पेरिस में क्लाइमेट डील हुई थी कि हमको इस सदी के अंत तक 2% केवल इंक्रीज पे रोकना है, जो भी आपका एवरेज आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद COP22 हुई है मराकेश मोरक्को में, और 23rd वाली होगी बोन जर्मनी में। ये कुछ फैक्ट है, ये आप एक बार देख लीजिएगा, इसमें बड़े इंपॉर्टेंट है ये। देखिए फिर ये कुछ और चीजें हैं, जैसे नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी आता है इंडिया में कई बार, ये सॉरी मतलब यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में कई बार आता है। देखिए पहली बात तो ये एक स्टेटूटरी अथॉरिटी है, क्योंकि इसको आपने बनाया गया था, ये स्टेटूटरी बॉडी है क्योंकि एक एक्ट के थ्रू क्रिएट की गई है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में 1 अक्टूबर 2003 में ये फाउंड की गई थी, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंदर ही आती है। फिर एक है नेशनल एडेप्टेशन फंड ऑन क्लाइमेट चेंज, ये कब बनाया गया, ये बनाया गया 2015-16 में बनाया गया, और इसमें इसलिए बनाया गया कि जो भी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं जो कि बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं आपके जो क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट हैं उनके, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा उनसे इफेक्ट पड़ सकता है, तो वो कैसे अडेप्ट करें अपने आप को, उसके लिए बनाया गया नेशनल एडेप्टेशन फंड ऑन क्लाइमेट चेंज। और इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो है नाबार्ड, ये जरूर याद रखिएगा, कई बार ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो नाबार्ड है इसकी एजेंसी, नेशनल एडेप्टेशन फंड ऑन क्लाइमेट चेंज। जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ उतना भी आप सुन लीजिए, तो बहुत सारी चीजें याद रह जाएंगी। पेरिस एग्रीमेंट की एक एक चीज याद, देखिए क्योटो प्रोटोकॉल का मैं बता चुका हूँ, क्योटो प्रोटोकॉल बताइए आप किस डेट में इम्प्लीमेंट की गई थी एग्जैक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पेरिस एग्रीमेंट का अगर आप देखेंगे तो ये इंडिया ने रेटिफाई कब किया था, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिया ने रेटिफाई किया था पेरिस एग्रीमेंट को 2 अक्टूबर 2016 को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये कुल मिला के फोर्स में कब आई, 4 नवंबर 2016 को, ठीक है। तो ये दोनों डेट आप याद रखिएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में बताया, सॉरी, ये भी एक स्टेटूटरी अथॉरिटी है, 2010 में बनाई गई थी, एनजीटी एक्ट आया था 2010 का, उसी के लिए बनाई गई थी, उसी के अंडर में। पर्पज ये था कि इफेक्टिव और बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी ये जो केसेस होते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं, 6 महीने में लोग केस फिनिश कर देते हैं पूरा। और इसमें एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो ये ट्राइब्यूनल है ये मतलब जो वो है आपका कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर उसके अकॉर्डिंग गाइड नहीं होता है, ये गाइड किया जाता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये बड़ी अलग सी चीज है, कई बार ये एग्जैक्टली पूछते हैं कि किस प्रिंसिपल पे होता है ये, तो नेचुरल जस्टिस वाला यहाँ पे प्रिंसिपल लगाया जाता है, 5 प्लेसेस हैं इसके। फिर उसके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट है, जो इंडस्ट्रियल आपकी जितनी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर रहते हैं वहां पे पॉल्यूशन मेजर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने एक ये आपका इंडेक्स सिस्टम किया था, पॉल्यूशन इंडेक्स। अब उसमें देखिए 4 टाइप की कलर कैटेगरी है कि मतलब जो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड होगी वो आएगी रेड में। वैसे भी आप जानते हैं रेड कलर जो होता है डेंजर का साइन होता है, तो रेड वाली सबसे डेंजर है, ऑरेंज वाली उससे कम है, ग्रीन वाली उससे कम है, व्हाइट वाली उससे कम है। तो 4 कैटेगरीज की में है ये बांटी हुई है इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडिया की। तो ये मान लीजिए आपसे एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि कौन कितने टाइप की कैटेगरी में इनको क्लासिफाई किया गया इंडस्ट्रियल सेक्टर को, 4 टाइप की है ये कैटेगरी, रेड ऑरेंज और ग्रीन और व्हाइट, ठीक है। ये तो डायरेक्टली इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री वाली साइट से लिया है कि 26 वेटलैंड है हमारे और 26 की लिस्ट दी हुई है, ये आपको याद रखनी चाहिए। कई बार एग्जाम में उनकी लोकेशन पूछ लेते हैं और कहते हैं कि मैच द फॉलोइंग बताइए आप, चंद्रताल है आपका हिमाचल प्रदेश में, रेणुका है हिमाचल प्रदेश में, रुद्र सागर है त्रिपुरा में, अपर गंगा है यूपी में, होकरसर है जम्मू कश्मीर में, सुरीन सागर है आपका जम्मू कश्मीर में, भीतर कनिका उड़ीसा में है, ये तो आपको मतलब बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। भोज वाला कहाँ पे है, ये आपका मध्य प्रदेश में, दीपोर बील है ये असम में है, ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड है, कुलेरू है ये आंध्र प्रदेश में, सस्तम कोटा है केरला में, अस्तमुदी केरला में, सो मुरुरी है ये जम्मू कश्मीर में, वेम्बनाद जहाँ पे वो बोट रेस होती है वो केरला में है, ये बैक वाटर है, ये पोंग डैम है ये आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये है कंजली है ये आपका पंजाब में, रोपर है पंजाब में, हरिके है पंजाब में, रोहतक है मणिपुर में, फ्लोटिंग जो लेक है आपकी चारों तरफ से पहाड़ियां घिरी हुई हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये सब।
चिल्का उड़ीसा में है, ये केवड़ा देव राजस्थान में, नल सरोवर है गुजरात में। फिर फ्लाई ऐश, फ्लाई ऐश के बारे में भी कुछ कुछ चीजें लिखी हुई थी इन्वायरमेंट रिपोर्ट में, इसलिए मैंने अलग से नोट करके रखी है। ये देखिए एक बाई प्रोडक्ट होता है जब आप कोल को बर्न करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने के टाइम पे। वैसे तो ये बड़ा डेंजरस होता है, लेकिन फिर इसको देखा गया कि काफी इसको यूजफुल भी कर सकते हैं। सीमेंट के प्रोडक्शन में काम आ सकता है, कंस्ट्रक्शन वर्क में काम आ सकता है, स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, तो इसको फिर धीरे धीरे यूज करने लगे। ठीक है, इस समय इंडिया में वैसे तो टारगेट यही कि 100% इसका यूटिलाइजेशन किया जाए, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं अभी भी। अभी देखेंगे हम लोग मिनिस्ट्री वाली रिपोर्ट में। देखिए ये है 36 साइट, यूएन सॉरी ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, और ये किसके अंडर में, यूनेस्को के अंडर में। तो ये भी पूछ सकते हैं आपसे इंडिया में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसमें 36 साइट है, और वो कौन रिकॉग्नाइज करता है, वो करता है यूनेस्को। ठीक है, 36 के 36 यहाँ पे देख लीजिए। देखिए 28 तो है कल्चरल, नाम ये लिखे हुए हैं, एक बार देख लीजिएगा आप। और नेचुरल साइट कितनी है, 7 है। ठीक है, और मिक्स्ड वाली है कंचनजंगा, तो ये जरूर याद रखिएगा। कंचनजंगा जो है नेशनल पार्क, वो सिक्किम में, वो मिक्स्ड है। 2016-17 वाला देख लेते हैं जो अभी हाल में रिकॉग्नाइज की गई। जैसे हिस्टोरिक जो सिटी है अहमदाबाद, वो पहली बनाई है, पहला सिटी हेरिटेज साइट बनाई है इंडिया का। 2016 में दो बनाई गई थी, एक तो आपका नालंदा है ये, जो ये नालंदा यूनिवर्सिटी वाला है बिहार में, और एक दूसरा जो है आपका चंडीगढ़ में। ठीक है, ली कॉर्बूसियर वाला जो आर्किटेक्चर वर्क है, और एक मिक्स साइट है, ये जरूर याद रखिएगा। जो 36 में से, अब देखिए इसमें क्या करेंगे ये लोग, क्या करते हैं इसमें इसका, चलो मैप से देख लेते हैं थोड़ा। देखिए ये है 36 साइट आपकी, ठीक है, एक ही हो गई कालका शिमला रेलवे हो गई, फिर ये ग्रेट हिमालय पार्क हो गया हिमाचल प्रदेश में, नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर पार्क हो गया उत्तराखंड में, ये आपका चंडीगढ़ में हो गया। ठीक है, कुतुब मीनार हो गए, ये रेड फोर्ट हो गया, हुमायूं टॉम्ब हो गया, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल, आगरा फोर्ट, केवड़ा देव नेशनल पार्क, जंतर मंतर ये है राजस्थान, रानी की वाव गुजरात में हो गया, ये अहमदाबाद हो गया। ठीक है, इधर ये कंचनजंगा हो गया, दार्जिलिंग हो गया, इधर मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, काजीरंगा हो गया, नालंदा, बोध गया, सुंदरबन। इसमें देखिए इसमें आएगा क्या एग्जाम में, इसमें ऐसे नहीं पूछते हैं जनरली यूपीएससी में, तो ये नहीं पूछते हैं कि जैसे कि बोध गया है कहाँ पे, वो तो छोटे मोटे, जैसे छोटे मोटे तो कोई एग्जाम नहीं होते हैं, मतलब जो ये नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं, ये RRB, SSC, इन सब जगह पूछ सकते हैं। यहाँ पे क्या पूछेंगे आपसे कि नॉर्थ से साउथ कौन सी साइट है, 4 साइट के नाम दे देंगे, कह देंगे नॉर्थ से साउथ आप अरेंज करो, या फिर आपको 4 साइट के नाम दे देंगे, कह देंगे वेस्ट से ईस्ट करो। तो ये आपको एक बार मैप देखिए, विकिपीडिया का मैप है कोई, इसमें मैं अलग से नहीं, मेरी पीडीएफ है, कोई विकिपीडिया मैप देखिए और इसको समझिए कौन सी साइट कहाँ पे है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, एक बार देख लीजिएगा इसमें। ठीक है, तो ये एक बार पूरा देख लीजिएगा मैप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद फिर यही मैंने आपको बताया, एक मिक्स साइट है कंचनजंगा। फिर देखिए वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है, वैसे तो इंडिया में कितने आपके हैं बायोस्फीयर रिजर्व, 18 है। ठीक है, 18 ये है, नीलगिरी है गया आपका तमिलनाडु केरल कर्नाटका में। देखिए ये इसमें ये याद रखना है आपको कि कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व ये किस किस स्टेट में फैले हुए हैं, इतना आसान में नहीं, काम तो करना पड़ेगा, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी इसमें। तो ये भी विकिपीडिया में दिया हुआ है, और ये आपका क्या क्या वहाँ पे स्पेशलिटी है, क्या की फौना है, नीलगिरी तार हो गया, लाइन टेल्ड मकाक हो गया, नंदा देवी वाला जो पार्क है आपका उत्तराखंड में है, ये स्नो लेपर्ड हो गया वहाँ की स्पेशलिटी, गल्फ ऑफ मन्नार है आपका तमिलनाडु में। ठीक है, डुगोंग जो है वो सी का उपाय जाती है वहाँ पे, नोक्रेक है गैरो हिल्स में ये मेघालय में, रेड पांडा। ठीक है, सुंदरबन है आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है ये, वेस्ट बंगाल पाया जाता है, मानस जो है ये असम में है, गोल्डन लंगूर और रेड पांडा पाया जाता है वहाँ, सिम्पलीपाल उड़ीसा में है ये। ठीक है, दिहांग दिबांग है ये अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद है आपका पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, जाइंट स्कैरल पाया जाता है यहाँ पे, अचानकमर अमरकंटक ये आपका MP में है, ये मेघालय हिल्स में लोकेटेड है ये। फिर उसके बाद ग्रेट रेन ऑफ कच्छ है गुजरात में है ये। ठीक है, इंडियन वाइल्ड लाइफ पाया जाता है, कोल्ड डिजर्ट है आपका हिमाचल प्रदेश में, स्नो लेपर्ड पाया जाता है, कंचनजंगा है आपका सिक्किम में, स्नो लेपर्ड रेड पंडा पाया जाता है यहाँ पे, अगस्त्या मलाई बायोस्फीयर रिजर्व ये अभी लेट नहीं, ये वाला लेटेस्ट नहीं है, ये 2001 में ही था, केरल और तमिलनाडु में पाया जाता है। इसको अभी एक्चुअली लेटेस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, ये वाला जो है आपका अभी हमने देखा था, ये PDF कहाँ गई, ये 2017 में है आपका जो अगस्त्या मलाई वाला, नहीं इसमें एक्चुअली अगस्त्या मलाई वाला कंफ्यूज हो गया खुद ही, उसको एक्चुअली मैन एंड बायोस्फीयर जो रिजर्व वाला है, अभी तक 9 साइट थी। देखिए फिर से बता रहा हूँ, 18 हमारे पास है बायोस्फीयर रिजर्व, ये वाली लिस्ट है पूरी। ठीक है, अब इसमें से ये जो था अभी तक 9 थी, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व एक प्रोग्राम है,
उसके अंडर में 9 इंडियन साइट थी, अब वो 10वां इसको डिक्लेयर किया गया अगस्त्य मलाई को। तो ये कहाँ कहाँ पे, केरल तमिलनाडु में, ये आप याद रखिएगा। ग्रेट निकोबार ये अंडमान में है ये, ठीक है, और फिर दिब्रू शैखोवा है आपका असम में, सीसाचलम है ये आपका आंध्र प्रदेश में, और पन्ना है मध्य प्रदेश में। देखिए 18 ही बायोस्फीयर आपकी रिजर्व हो गए, है ना। अब इसमें से जो 10 है हमारे वो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, जिनको यूनेस्को रिकॉग्नाइज करता है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, उसमें आते हैं 10। उसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई हुई है, वो मैं ट्रिक बता रहा हूँ। लेकिन उससे पहले एक चीज ये समझिए कि एस नाम से एक सुंदरबन है, एक है सिंपली पार और एक है सीसाचलम, ये 3 है एस नाम से बायोस्फीयर रिजर्व। लेकिन जो हमारी ट्रिक है उसमें 2 एस है सिर्फ, ये देखिए ये ट्रिक है इसको, जो हमारे 10 मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व आपके उसके अंडर में जो बायोस्फीयर आते हैं उसमें से 10 इंडिया में हैं, वो कौन कौन से हैं, उसकी ट्रिक क्या है, 4NGS पास। इसका क्या मतलब हुआ, एन नाम के जैसे कि नीलगिरी हो गया आपका, नंदा देवी हो गया, नोकरेक हो गया, और ग्रेट निकोबार हो गया, चार एन हो गया, जीएस से क्या हो गया, जी से हो गया आपका गल्फ ऑफ मन्नार, एस से क्या हो गया, एस से सुंदरबन हो गया, पी से पचमढ़ी हो गया, और फिर डबल ए है, ए है ये आपका अचानक पर अमरकंटक, और फिर ये अभी जो लेटेस्ट आपका रिकॉग्नाइज हुआ अगस्त्य मलाई केरल तमिलनाडु में, ठीक है। और फिर एक ऐसे क्या हो गया, सिंपली पाल, यहाँ पे सीसाचलम नहीं आएगा, ये याद रखिएगा, 4NGS पास और यहाँ पे सीसाचलम नहीं है ऐसे में, याद हो गया ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ कहाँ पे है, तमिलनाडु केरल और कर्नाटक में, सबसे पहले इसी को रिकॉग्नाइज किया गया था, सबसे पहले नहीं सॉरी, ये यहाँ पे नंबर 1 पे लिखा हुआ है, सबसे पहले हाँ नीलगिरी को ही किया गया था 1986 में, मतलब ये बायोस्फीयर रिजर्व बनाया, फिर ये 2000 आपका एक में बनाया गया है, MAB प्रोग्राम के तहत किया गया था ये, ठीक है। तो दोनों जगह पहला पहला है ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। उसके बाद तो ये ट्रिक याद हो गई आपकी, 4NGS पास और इसमें से सीसाचलम नहीं है, ये तो कुछ हो गया नोट्स। अभी नेक्स्ट देखिए, अभी और भी बहुत सारी चीजें बतानी है मुझे, फिर ये देख लेते हैं जो इंडिया में मैनग्रूव्स कहाँ कहाँ पे हैं। मैनग्रूव्स देखिए पहले थे 4,800 समथिंग, ये अगर आप यहाँ पे देखें 2015-16 की रिपोर्ट है, ठीक है, पहले कितना था, 4,740 किलोमीटर स्क्वायर एरिया था मैनग्रोव्स के अंडर में। लेकिन अभी इंडियन फॉरेस्ट जो सर्वे हुआ है 2017 वाला, जिसकी अभी रिपोर्ट आई थी फरवरी 2018 में, उसके हिसाब से थोड़ा सा एरिया बढ़ गया है इसमें मैनग्रोव में, और अब कितना हो गया, 4,921 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि इंडिया के एरिया का 0.15% है, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि जो मैनग्रोव्स है इंडिया में किस किस स्टेट में पाए जाते हैं, जितने 9 कोस्टल स्टेट है सब जगह मैनग्रोव पाए जाते हैं, प्लस जो 3 यूनियन टेरेटरी है आपकी, पुडुचेरी हो गई आपकी, दमन एंड दीव हो गई, और अंडमान निकोबार आ गए, इन तीनों में मैनग्रोव पाए जाते हैं, ठीक है। जो 9 स्टेट है आपके कोस्टल स्टेट, इधर से लेके गुजरात से महाराष्ट्र से पूरे जितने भी हैं सब जगह हैं, ठीक है, गोवा में है आपका, कर्नाटक में है, केरला में है, ठीक है, उड़ीसा में है, तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में, सब जगह है, आंध्र प्रदेश में, हर जगह मैनग्रोव प्रेजेंट है, ये आप याद रखिएगा, जितने कोस्टल स्टेट है हमारे सब जगह मैनग्रोव प्रेजेंट है आपका, और जो 3 यूनियन टेरिटरी है दमन दीव पुडुचेरी और अंडमान निकोबार। अच्छा लक्षद्वीप में मैनग्रोव नहीं है, एक और चीज है कि जो महाराष्ट्र के मैनग्रोव है इस बार बहुत ज्यादा उसका वो एरिया बढ़ा था, करीबन 37% बढ़ा था, तो ये आप इनसे पूछ सकते हैं, ये इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट वाला है ये। अब दूसरी बात ये कि इंडिया में कोरल रीफ कहाँ कहाँ पे है, इंडिया में कोरल रीफ है गल्फ ऑफ मन्नार में, ठीक है, यानी कि तमिलनाडु के बगल में, गल्फ ऑफ कच्छ में यानी कि गुजरात के बगल में, और लक्षद्वीप और आपका अंडमान निकोबार दोनों में, मतलब जो दोनों हमारे आइलैंड टेरिटरी है, एक आपका लक्षद्वीप हो गया और एक आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गया, ठीक है। लक्षद्वीप में 36 आइलैंड है, मैंने आपको एनसीईआरटी वाली ज्योग्राफी में बताया था। अंडमान एंड निकोबार में कितने आइलैंड है जल्दी से बताइए। तो 4 आपकी साइट है कोरल रीफ की इंडिया में, ठीक है, 4 साइट है, मतलब एक दो उधर हो गई मान लो ये इंडिया है ऐसे, तो एक ये हो गई गल्फ ऑफ कच्छ और एक हो गई लक्षद्वीप, और फिर इधर साइड भी दो हो गई, एक तो ये अंडमान निकोबार हो गया और एक इधर हो गया गल्फ ऑफ मन्नार, तो 4 जगह है हमारा कोरल रीफ। और इसके बाद यह है कि ये क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा मैनग्रोव कहाँ पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा मैनग्रोव कहाँ पाए जाते हैं आपके वेस्ट बंगाल में, सबसे ज्यादा मैनग्रोव साइट यहाँ पे वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है, ये लिखा भी है मैनग्रोव के पास सबसे ज्यादा है वेस्ट बंगाल में। उसके बाद है देखिए 2017 के हिसाब से अगर आप रिपोर्ट देखें तो उसके बाद गुजरात ही है, सेकेंड नंबर पे गुजरात है, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और ये आपको बतानी थी। ये जो कोरल रीफ इंडिया में कितना है, करीबन 2300 समथिंग स्क्वायर किलोमीटर का है ये। स्केलेटन होते हैं जो कोरल पॉलिप्स होते हैं, वो एक के ऊपर एक चढ़ते जाते हैं, वो बना देते हैं कोरल रीफ। और भी काफी सारी इसमें चीजें हैं, जैसे कोरल रीफ की ब्लीचिंग हो जाती है, वो सब धीरे धीरे हम लोग समझेंगे सब कुछ, अभी फैक्ट्स वाला जो प्रीलिम्स के लिए हम लोग देख रहे हैं तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। ये चीजें हो गई, ये वाली रिपोर्ट भी हो गई, ये वाली भी हो गई जो इंपॉर्टेंट बात बतानी थी। अब ये जो ये बची है आपकी कि क्या क्या इसमें बचा है इंपॉर्टेंट,
वो देख लेते हैं थोड़ा। जो जो चीजें हैं मैंने यहाँ पे मार्क करके रखी हुई है, पेरिस एग्रीमेंट हुआ था आपका COP 21 में 2015 में, मेन उसका पर्पज यही कि इस सदी के अंत तक 2 डिग्री से ज्यादा एवरेज टेम्परेचर ना राइज हो। किगाली एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अमेंडमेंट से रिलेटेड है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को फेस डाउन करना है, 1 जनवरी 2019 से स्टार्ट हो जाएगा और 2047 तक सबके लिए चलेगा। और इसमें जो तीनों टाइप की कंट्रीज है उनके अलग अलग टारगेट है, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें थोड़ा सा इसको छोटा करके देखते हैं, जल्दी जल्दी इसमें करते हैं। जो आपका देखिए ये बाकी सब चीजें इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये क्या करता है, जो प्लांट सोर्सेज है इंडिया में उनको एक्सप्लोर करता है, कितने बढ़ गए हैं ये सब चीजें करता है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंडर में ही आता है ये। वैसे ही आपका कौन सा हो गया आपका, जैसे ये बोटेनिकल सर्वे हो गया। अब देखिए इसमें एक्स सीटू साइट एक दिया हुआ है, एक इन सीटू साइट है, ये सब चीजें मैंने एक्चुअली लिख तो रखी है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली देखिए ये पिछली बार की रिपोर्ट है और पिछली बार की रिपोर्ट की समरी है ये हैंड रिटन, मेरे पास बस यही पीडीएफ है। एग्जैक्टली आपको नहीं समझ में आएगी लेकिन मैं फिर भी पढ़ के बता दे रहा हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे इसकी पीडीएफ नहीं मिल रही ना वो पेज मिल रहे हैं, ज्यादातर चीजें सेम ही है 2015-16 की, 16-17 की सेम है। जैसे जो MOEF अभी मैंने बताया आपको, नोडल मिनिस्ट्री UNEP के लिए, ये एग्जैक्टली क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद जो UNEP है ये क्या है, यूएन की एजेंसी है, हेडक्वार्टर नैरोबी में, ये सब मैंने आपको बताया। और ये ग्लोबल इन्वायरमेंट जो फंड है उसकी भी एजेंसी है ये। उसके बाद है आपको ये जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेट करती है UNCCD, और ये सब चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फोकल पॉइंट है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी का भी। और इसके बाद ये है जैसे मिनिस्ट्री ऑफ जो ट्राइबल, अभी मैंने आपसे पूछा था ना कि जो ST वाले आपके राइट्स हैं, फॉरेस्ट वाले जो राइट्स होते हैं वो कौन देखता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर देखती है। उनके अलावा कौन किसके अंडर में आएंगे आपके, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, यही मैंने लिखा हुआ है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट अफेयर्स है वो बाकी जो फॉरेस्ट रिलेटेड पॉलिसी से रिलेटेड मैटर्स है उनको देखती है, जो ST वाले जो है राइट वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर देखती है। 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं ये। एक है आपका ईस्ट हिमालय, ठीक है, दूसरा है इंडो बर्मा, और फिर है वेस्टर्न घाट और सुंडालैंड में है, ये 4 है ये। वैसे तो 3 भी बोलते हैं इनको, कुछ कुछ ये निकोबार आइलैंड का भी पार्ट है। तो ये है इसमें वेस्टर्न घाट वाला हो गया और ईस्टर्न हिमालय, वैसे 2 ही माने जाते हैं लेकिन इंडो बर्मा वाला एरिया भी बोल रहे हैं ये एक्चुअली है। उसके बाद ये फिर है जूलॉजिकल और बॉटेनिकल सर्वे, दोनों जो आता है आपका इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर में। जो मैं बोलता हूँ बस उसमें सुन लीजिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, काफी सारी चीजें हैं। फ्रेश वाटर जैसे वो आपके कौन कौन से वेटलैंड हो गए, रोपर हो गया हिमाचल प्रदेश में, गोबिंद सागर हो गया आपका हिमाचल प्रदेश में, उमदा सागर हो गया आपका, ठीक है, और आंध्र प्रदेश में भोज वेटलैंड हो गया। उसके बाद जो ये ICJDM है यानी कि इंडिया इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट, इसकी भी नोडल एजेंसी है आपकी MOEFCC, ठीक है, तो ये चीज है इसमें। उसके बाद फॉरेस्ट सर्वे मैंने आपको बताई दिया, इसी के अंडर में आता है। फिर इसमें है आपका फॉरेस्ट फायर की इवेंट, हम लोगों ने ये इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में डिस्कस कर ली थी, तो आप जरूरत नहीं वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा आप एक बार। फिर ये देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये बड़ा कई बार आ जाते हैं ये, नगोया प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, ठीक है, और भी है जैसे नगोया प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है आपका, बेनिफिट शेयर करता है जो इसमें ये कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड है ये सब मैं बता चुका हूँ एक बार, और थोड़ा सा और देख लेते हैं एक्चुअली। ये जैसे सिक्योर है ये प्रोग्राम, ये किस चीज के लिए है, ये हिमालय जो इकोसिस्टम है, हाई हिमालय जहाँ जहाँ पे है उनको सिक्योर करने के लिए। बाकी मैं और बता चुका हूँ, काफी सारे इंस्टीट्यूट के नाम लिखे हुए हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये देहरादून में है, अगस्त्या मिराई कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। मैनग्रोव्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में है, फिर गुजरात में है, फिर अंडमान निकोबार आइलैंड में है। कोरल रीफ्स की 4 साइट हमने डिस्कस कर ली, कौन कौन सी 4 जो साइट्स हैं, ठीक है। मैनग्रोव पिछली बार भी बढ़ा था, इस बार भी बढ़ाई है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, 10 हमारे आते हैं, अब ये 10 आते हैं वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में। अगस्त्या मलाई कहाँ पे है, केरल और तमिलनाडु में। उसके बाद और भी चीजें हैं जैसे कार्टेगेना जो बायो ये सेफ्टी प्रोटोकॉल है, इसके से रिलेटेड इंडिया इसकी इसका मेंबर है ये। उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं ये, चलो इसमें रिपोर्ट में ही देख लेते हैं। इसके बाद एक्स सीटू साइट क्या होती है, इन सीटू साइट क्या होती है। एक्स सीटू का मतलब है अगर आप जो उनका नेचुरल एरिया, मतलब कोई भी अगर आप जैसे वाइल्ड लाइफ है उनको आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो वो उसी के अंडर अगर जहां वो रहते हैं वहीं पे आप प्रिजर्व कर दोगे तो इन सीटू हो गया, जैसे नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। एक्स सीटू मतलब उनके जो नेचुरल उनका एरिया उनके बाहर जाके प्रिजर्व करते हो आप, वो होते हैं एक्स सीटू साइट, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं इसमें।
और इसमें देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट वाली चीजें हैं। एक्चुअली बहुत लंबी रिपोर्ट है ये, और मैंने पेज में मार्क करके रखे हैं, लेकिन बीच बीच में भी मैंने नोट किया हुआ है तो वो नहीं मैंने मार्क किए हैं, इसीलिए पूरा देख लेते हैं एक बार। ये मैंने आपको बता दिया, ये इसी के ICZM जो प्रोजेक्ट है इंडिया, ये इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर ही आता है। उसके बाद जो है आपका, चलो इम्पोर्टेंट चीज देख लेते हैं, ये इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं, गांधी प्रोजेक्ट है ये, वेदरायन प्रोजेक्ट है ये, इतनी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, बीच बीच में काफी सारी चीजें मैंने बोल दी थी इसमें। अब इसमें चलो इसमें देखते हैं जो इंपॉर्टेंट वाली चीजें हैं थोड़ा सा, चलिए बाकी नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, पार्ट टू करते हैं, उसमें और अच्छे से थोड़ा सा नेशनल पार्क क्या होते हैं उसमें डिफरेंस, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस है, प्लस जितने भी बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड या फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो कन्वेंशन है, प्रोटोकॉल है, वो सब हायरार्की वाइज करेंगे। पार्ट टू अगर आपको चाहिए तो जल्दी से कमेंट जरूर करिएगा, मुझे रिस्पॉन्स इसमें देखना है। अगर ये रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो यूपीएससी के लिए काफी सारी चीजें बना देंगे, ऐसी छोटी मोटी ट्रिक्स भी दे देंगे आपको। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर, और फीडबैक जरूर चाहिए इसमें कि कैसा आएगा।